कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी लगातार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर अपनी सक्रियता दिखा रही हैं। आपको बता दें, प्रियंका गांधी की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले कांग्रेस को सक्रिय किया जाए, जिसके लिए प्रियंका गांधी लगातार मीटिंग भी कर रही हैं। आपको बता दें, आज प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के झांसी और गाजियाबाद के कार्यकर्ताओं के लिए एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया, जिसमें प्रियंका गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश दिए। प्रियंका गांधी ने इसमें अपने कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया का उपयोग करने का तरीका बताया। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि इस महंगाई के समय में जहां पर कोरोना के कारण लोग अपने घर का सिलेंडर नहीं भरवा पा रहे हैं, वहीं केंद्र की मोदी सरकार सिलेंडरों के दाम बढ़ाने में लगी हुई है, यह बिल्कुल उचित नहीं है। और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से कहा कि जनता के खिलाफ हो रहे अन्याय के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और यही उत्तर प्रदेश में विधानसभा जीतने का एक रास्ता है। जुड़े रहिए SPN9 न्यूज से। धन्यवाद।